हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हमारा ये जो भी हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, PYQ टेस्ट सीरीज, उसका हमारा दूसरा लेक्चर है ये PYQ सीरीज का, जिसमें हम लोग इवोल्यूशन को कवर करेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ, पहला क्वेश्चन, आफ्टर अबाउट हाउ मैनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्स ऑन 500 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज थर्ड। NCERT का डायरेक्ट लाइन है, और हमारा अर्थ फॉर्म कब हुआ था, डेट इज 4.5 बिलियन ईयर्स है वो। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रख लेना। एस एल मिलर का एक्सपेरिमेंट में हमें बताना है टेम्परेचर और कौन कौन सी गैसेस थी। तो हो जाता है मीथेन, हाइड्रोजन गैस एंड अमोनिया, और वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय हीगो डिब्रिज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जब सडन चेंजेस होता है, डेट इज ए म्यूटेशन। किसने दिया था, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस था। ठीक है, डायरेक्शन लेस था, तो आंसर हमारा फर्स्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो होता है उसको हम लोग टर्म देते हैं, डेट इज सॉल्टेशन। ये किसने बताया था, हीगो डिब्रिज ने। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे बताना है, तो आंसर क्या होगा, दोनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डेट इज बी। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलो करेक्ट सन ओरिजिन ऑफ लाइफ। करेक्ट सिक्वेंस हमें बताना है जब हम लोग देखते हैं मतलब केमोऑस्मोसिस, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, केमिकल हाइपोथेसिस बोल देते हैं। ठीक है, केमिकल हाइपोथेसिस और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो उसमें देखना है क्या क्या हमारा कैसे फॉर्मेशन हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स। फिर क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। फिर क्या बना हमारा, जेनेटिक मटेरियल। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज सी। इसको हम लोग अभी कवर करेंगे जो हमारा एवोल्यूशन वाला सीरीज चल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोबायोन्ट कोअसर्वेट्स एंड माइक्रोस्पियर्स एज एनबाइट इन द एबायोजेनिक ओरिजिन इन लाइफ। दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, बोल रहे हैं कि वो एबल थे रिप्रोड्यूस के लिए। दूसरा है, दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। थर्ड है, दे वर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। एंड डी है, डेट इज कुड मेंटेन इन इंटरनल एनवायरमेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डेट इज डी, होम्योस्टेटिस वो अपना मेंटेन करके रखते थे। इसके बाद आता है 2008 का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ठीक है, बता रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली बिलोंग, कौन सा करेक्टली बिलोंग हमारा यहाँ पे होता है। तो नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म्स एंड मेल्फिगियन ट्यूबल्स ऑफ कॉकरोच, तो ये हमारा हो जाएगा। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, करेक्ट हमें बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, किसने दिया था, क्या था, या फिर किस पर बेस्ड था, ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर सिचुएबल एनवायरमेंट कंडीशन, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज, ठीक है, क्या होगा, फाइलोजेनी हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर की, जिसमें स्टडी करते हैं। पहले वाले चैप्टर में भी दिया गया है लिविंग वर्ड्स के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड वॉज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसिस इन मिलर एक्सपेरिमेंट, कौन सा मिलर एक्सपेरिमेंट में हमें देखने को नहीं मिला, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत पुराना है लेकिन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट डेट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। लार्वी कुड अपियर इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब डिड नॉट अपियर इन स्टोर्ड मीट, और क्या है हमारा यहाँ पे, माइक्रोब अपियर्ड फ्रॉम अनस्टेलाइज ऑर्गेनिक मैटर, मीट वर स्पॉइल्ड हीटेड एंड कैप्ट सील्ड इन वेसल, तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे नहीं आएंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू ओपेरन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पे, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं।
चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं। बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 2020 का। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाई, ठीक है, अर्नेस्ट हेकल, इन्होंने दिया हुआ था हमारा क्या एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है। मैं दो ऑप्शन दे देता हूँ, पहला तो इन्होंने दिया था, हम लोग बोल सकते हैं यूज एंड डिसयूज या फिर नेचुरल सिलेक्शन। आंसर कमेंट सेक्शन में देना। 2020, फिनोमिनन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू द अदर हैबिटाट्स इज कॉल्ड सोल्टेशन, को एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो एक जगह से अलग अलग जगह पे जाके वो लोग रहने लगे और उनने क्या कर लिया, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही वहाँ पे चेंज कर लिया। कोई फूड खा रहा है तो कोई इंसेक्ट खा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, 2021 में ये पूछा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर, एडेप्टिव रेडिएशंस। सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट रेडिएशन वैरायटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, क्या हो जाएगा हमारा, डी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आंसर देखो पहले से ही मिल गया, ठीक है, चेक कर लो एक बार इसका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखो फर्स्ट ही दे रहे हैं, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट एवोल्यूशन वाज डिसप्रूव्ड बाई, किसने डिसप्रूव्ड किया इसको, तो काइल अर्नेस्ट वॉन हेकल, ठीक है, सॉरी वॉन वियर, इन्होंने किया हुआ था। नेक्स्ट है 2020 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है, मैन मेड, ठीक है, जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डेट इज सेकेंड, सेकेंड मतलब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बीट्स, ड्रग रेजिस्टेंट यूकेरियोट्स, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल है हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, ठीक है। मतलब क्या है, सिमिलर फंक्शंस हैं बट क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन, ओरिजिन उनका क्या है, डिफरेंट हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व टू शेयर मैनी सिमिलर कैरेक्टर्स, दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन में बी कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशंस, डाइवर्जेंट्स, साइक्लिकल, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाता है, डेट इज़ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डेट इज़ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं आपको समझा देता हूँ इसका आंसर हो जाएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आप देखना कुछ ग्राफ दिए गए हैं इस तरीके से, उसके अंदर स्टेबलाइजिंग डिस्ट्रप्टेड, ठीक है, डायरेक्शनल, साइक्लिकल, तो स्टेबलाइजिंग हमारे ह्यूमंस का एग्जाम्पल हो जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सिलेक्शन द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो हमारा हो जाएगा आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो हमारे होमोलॉजी का, ठीक है। होमोलॉजी क्या होता है, होमोलॉजी होता है जिसमें हमारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन वो एडेप्टेड हो जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। एनालोगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ, एनालोगस स्ट्रक्चर किसका रिजल्ट है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू विंग ऑफ ए बर्ड, को क्या हो जाएगा आंसर, डेट इज ए फ्लिपर्स ऑफ बेल, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया भी हुआ था। 2015 का क्वेश्चन है, सॉरी, विंग ऑफ ए बर्ड एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर, क्या होते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को।
फोर लिम्स ऑफ कैट लिजार्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग। अभी देखो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, कई क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालोगस स्ट्रक्चर्स, कौन सा एनालोगस स्ट्रक्चर्स है, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, ठीक है। 2013 ऑक्टोपस आईज कैट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, आंसर क्या हो जाएगा, एनालोगस ऑर्गन डेट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2013, प्रोसेस बाय विच ऑर्गन विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू ए कॉमन एनवायरमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, डेट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 2012 का क्वेश्चन, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरियाज, ठीक है, अभी बताया था एक जगह से अलग अलग जगह पे चले जाएं, एडेप्टिव। नेक्स्ट वन ऑफ द ऑप्शंस गिव करेक्ट एग्जांपल, करेक्ट एग्जांपल बताना है, यही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बहुत पुराने क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग यहाँ पे इनको छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, डार्विन फिंचेस आर एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ओल्ड हैं जिसको हम लोग नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 10 ईयर्स का करना है या फिर जब से नीट स्टार्ट हुआ था तब के हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे, ओल्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इतने ओल्ड क्वेश्चंस हमें नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है इनको करने का। यहाँ से देखते हैं, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, तो देखो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होना चाहिए, यदि लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन है तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मैनलिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियो डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, तो ये है हमारा नेचुरल सिलेक्शन का। देखो इंडस्ट्रियल मैनलिज्म में होता क्या है, इसमें मतलब वो दिखाते हैं, एक तो बताते हैं जब इंडस्ट्रियल वहाँ पे क्या नहीं हुआ था, मतलब मौत थे, अब हमारे वाइट थे और ब्लैक थे, तो जब पहले की हम लोग बात करें जब इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन नहीं हुआ तो हमारे सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो कौन सी थी, तो वो वाइट थी, ठीक है। अब जब इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हो गया तो पॉल्यूशन बढ़ा, जिसके वजह से ब्लैक वाले मौत का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वो होता है हमारा इंडस्ट्रियल मैलिनेंस। वेरिएशन इन जीन फ्रिक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस रेदर देन वाई नेचुरल सिलेक्शन इज रिफर्ड टू एज, डेट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, अभी हमने बताया है तो इस चीज को याद रख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिस्टन बिल्यूटुलेरिया, इसका भी देख लो, प्रिपेयर्ड मौत बिस्टन बिल्यूटुलेरिया ब्लैक कलर फ्रॉम बिकेम डोमिनेंट, लाइट कलर फ्रॉम इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, अभी बताया मैंने, डार्कर फ्रॉम बर सिलेक्टेड। नेक्स्ट चलते हैं 2008 का क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, चलो तो इस तरीके के ही यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते जाते हैं, देखते हैं और जो हमारे लेटेस्ट न्यूज़ में उसमें आए होंगे, नीट में न्यूज़ बोल दिया यार, कभी कभी थोड़ा जुबान फिसल जाती है। 2019 ये पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज इनवेड्स ए न्यू एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फिर लीड टू एडेप्टिव रेडिएशंस, तो क्या हो जाएगा, एरिया विद मैनी टाइप ऑफ बैकेंड हैबिटाट्स, ठीक है, अलग अलग हैबिटाट्स में चले जाते हैं ये। इसके बाद स्पेशिएशन एंड आइसोलेशन क्वेश्चन, फैक्टर द लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन इज नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, तो क्या होगा, देखो फाउंडर इफेक्ट होता क्या है, मान लो कि कोई दो लोग वहाँ पे रह रहे थे, मतलब बहुत सारी जनता रह रही थी, उसमें से एक मेल बच गया एक फीमेल बच गया और दोनों ने ही क्या किया, एक नई स्पेसीज वहाँ पे बना ली, तो उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को ही हम लोग बोलते हैं डेट इज़ ए फाउंडर इफेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हमारा जो होगा डेट इज़ ए जेनेटिक ड्रिफ्ट,
ठीक है, मतलब स्मॉल से हुआ ना, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ फोर्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा डेट इज पेरिस्यूडेटेला। ठीक है, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2PQ, बोल रहा है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजीनस इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा उसका इक्वेशन जो आपको याद रखना है। टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाई, किसके वजह से डिस्टर्ब होता है, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। तो आंसर हो जाएगा डी। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, कंपटीशन विद क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पेसीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग स्पेसीज। तो आंसर इसका डी होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बी दे रहे हैं ये लोग। एक बार चेक कर लेते हैं क्या होगा, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, इंटर स्पेसिफिक ही होगा। ठीक है, इंटर मतलब अलग अलग स्पेसीज, इंट्रा मतलब सेम स्पेसीज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। वेरी ओल्ड क्वेश्चंस, जिसको हम लोग स्किप करेंगे। देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छा खासा वेटेज हमारा देता है ये वाला चैप्टर्स, तो आपको ये चैप्टर्स अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन पे। देखो, मैच द फॉलोइंग, तो आंसर हो जाएगा इसका डेट इज़ बी। ये आपको अच्छे से करके जाना है। जावा इन 1891 नाउ एग्जिस्ट हैविंग क्रेनियल कैपेसिटीज अबाउट 900 cc, क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा होमो इरेक्टस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो हो जाएगा नियंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन, ठीक है, इतने ईयर्स, तो इसको याद रख लेना। 2012 का ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन एवोल्यूशन। भाई, क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, तभी तो वो डेवलप्ड कर रहे थे वहाँ पे। द एग्जेंट ह्यूमन हु लिव्ड 2 ईयर्स, ठीक है, अभी हम लोग ये क्वेश्चंस करके आए हैं, नियंडरथल मैन ये किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे सभी जितने भी इवोल्यूशन के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस थे, हमने उसको कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, जो भी टॉपिक्स होगा आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको PYQ चाहिए हैं, तो वो आपको डिस्कस करा देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आपको न्यू अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में।